गदर 2 की बॉलीवुड में सक्सेस के बाद से तो हर कोई पिक्चर का सीक्वल बनाने के लिए एक्साइटेड हो रहा है। तो ये आप लोग तो जानते ही हैं, सन्नी पाजी ने गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बना के गदर 2 को इतना बड़ा कलेक्शन दे डाला जितना उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, साथ ही साथ बॉलीवुड के किसी भी सितारे ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। बट अब सन्नी पाजी तक ये बात नहीं सीमित रह जाती, अब सन्नी देओल के अलावा भी कोई एक ऐसा कलाकार है जो अपनी मूवी का सीक्वल लेके आने वाला है, और वो मूवी उनकी उस दौर की सुपर डुपर हिट मूवी रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कलाकार कौन सा है, तो भाई इस कलाकार के बारे में जानना है तो वीडियो को तो पूरा देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच में स्किप करके वो कलाकार भी स्किप ही हो जाएगा। भाई बॉलीवुड के अंदर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सन्नी देओल का डंका बज रहा है। आप लोग जानते हैं 625 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके इस बंदे ने दिखा डाला कि सीक्वल से भी पैसा कमाया जा सकता है, और सीक्वल से भी इतना मोटा पैसा कमाया जा सकता है जो लोगों की मूवी के फर्स्ट पार्ट में नहीं कमा पाते वो सीक्वल के अंदर कमाया जा सकता है, हमारे सन्नी पाजी ने साबित कर दिया। बट सन्नी पाजी के अलावा एक जना और मैदान में कूद गया है। अब ये मैदान में कौन कूदा है इसके बारे में अब पर्दा हटा ही देते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कलाकार है कौन। फूल और कांटे से जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, कदम तो रखा ही नहीं था, दो बाइकों के ऊपर सवार होकर आए थे, यानी खड़े होकर आए थे, बस वही है हमारे अजय देवगन साहब। जी हाँ, अजय देवगन अब अपनी मूवी का सीक्वल लेके आ रहे हैं। अब वो मूवी कौन सी है ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो चलो उस मूवी के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे ही देते हैं। अजय देवगन की मूवी दीवानगी, जी दोस्तों दीवानगी 2002 में रिलीज हुई थी, जिसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी का उन्होंने जो रोल करा था उसके बारे में तो कहना ही क्या था, साइकोलॉजिकल ये मूवी थी। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर अक्षय खन्ना थे, उर्मिला मातोंडकर थी, और भैया मुख्य रूप में थे हमारे अजय देवगन साहब। अजय देवगन साहब ने जो विलन का रोल अदा करा था ना, उसके पीछे तो भारी भरमार, और मतलब फैंस इतने इनके बन गए थे और दीवानगी छा गई थी लोगों के ऊपर कि देखकर हिल गए थे। अपरिचित मूवी तो आपने देखी होगी, वो वाला सीन बिल्कुल देखने को मिला था पिक्चर के अंदर, यानी दीवानगी के अंदर, कि किस तरीके से मिनट के अंदर एकदम भोला वाला आदमी बन जाता है और किस तरीके से एक शातिर कातिल बन जाता है। भैया अक्षय खन्ना ने भी एक पुलिस वाले का रोल बड़ा जबरदस्त अदा करा था, बट इस मूवी के अंदर देखने वाली बात यह थी कि किस तरह एक भोला वाला इंसान किस तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी बनके चेंज होके किसी का मर्डर कर देता है, या एकदम गुंडा बदमाश एक तरह का कातिल बन जाता है, क्योंकि इस पिक्चर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और फिल्म फेयर अवार्ड किस चीज को लेकर मिला था, वैसे तो ये भाई साहब हमारे हीरो हैं, बट इस पिक्चर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इन्हें सिर्फ और सिर्फ विलन के रोल के लिए, नंबर वन विलन का इनको ताज पहना दिया गया था। भैया पिक्चर के अंदर काम जो इन्होंने इतना जबरदस्त करा था, बस अब यही बात है कि इस दीवान की पिक्चर का सीक्वल बनने को तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जब इस पिक्चर का सीक्वल आप लोगों के सामने आएगा तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि मजा आ जाने वाला है, क्योंकि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होने के लिए तैयार बैठी है। अब ये देखने वाली बात है कि मूवी कब जल्द से जल्द रिलीज होती है और कब जल्द से जल्द इस पे शूटिंग स्टार्ट होती है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअली इस पे क्या बातचीत चल रही है। तो इस मूवी को लेकर हाल ही में अनीस बजमी ने अजय देवगन से मुलाकात करी और वो इस पिक्चर का सीक्वल बनाने के लिए तैयार हो गए, और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दीवान की मूवी के सीक्वल पर बातचीत चल रही है और इस पे जल्द ही काम शुरू होने वाला है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अनीस बजमी की जो मूवी रही है अभी भूल भुलैया 2, उसको कितना अच्छा रिस्पांस देखने को मिला ये आप और मैं जानते ही हैं, कि एक कॉमेडी और एक डरावनी मूवी का किस तरह से उन्होंने जोड़ बिठाया भूल भुलैया 2 के अंदर, ये आपने और मैंने देखा है। कार्तिक आर्यन की उसके अंदर जबरदस्त एक्टिंग थी। पर आप लोगों को यहां बता दूं कि भैया जो दीवान की मूवी रही है ना अजय देवगन की, उसके बारे में तो तोड़ ही नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो उनकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है, जो उनका वो भोला भाला चेहरा दिखाया गया है, साथ ही साथ उस भोले भाले चेहरे के पीछे यानी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी आ जाती है और एक खूनी दरिंदा बन जाता है, वो एक विलन का रोल अदा कर देता है, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज से और आगाह करना चाहूंगा कि भैया जो हमारे अजय देवगन साहब है ना, सिर्फ और सिर्फ दीवानगी 2 पर ही काम नहीं कर रहे, उनकी बहुत सी ऐसी पिक्चर हैं जिनको लेकर वो एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ उन पिक्चर के सीक्वल्स पे भी बातचीत चल रही है, जिसमें एक पिक्चर का नाम और शामिल हो रहा है, उसका नाम है इश्क। आप लोगों ने देखी है आमिर खान और हमारे अजय देवगन की ये जो इश्क मूवी थी, जिसमें काजोल थी और साथ ही साथ पिक्चर के अंदर थी हमारी जूही चावला, और आप लोगों ने देखा था पिक्चर भी ये हिट रही थी, और हिट पिक्चर रही थी, और इसी के सीक्वल के ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो दीवानगी का सीक्वल तो रेडी होने वाला है, इस बात को तो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वैसे अजय देवगन की बात है तो भैया अजय देवगन कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, इनकी मूवी के और भी सीक्वल्स बन चुके हैं, चाहे वो आप गोलमाल ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए इनकी मूवी सिंघम। सिंघम अगेन वैसे भी अब रिलीज होने वाली है सिंघम 3 के नाम से, जो जबरदस्त तरीके से आग लगाने वाली है बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि उसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और भैया कॉक्स यूनिवर्स की बहुत बड़ी मूवी है वो,
और जब बहुत बड़ी मूवी सामने आएगी ना निकल के, तो मजा ही दिला देगी, क्योंकि उस पिक्चर के अंदर जो एक्शन सीन्स होने वाले हैं उसके बारे में तो कहना ही क्या है। सिर्फ अजय देवगन इस पिक्चर में नहीं दिखने वाले, इस पिक्चर में अजय देवगन के साथ साथ अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं, उनका कैमियो नजर आने वाला है, साथ ही साथ रणवीर सिंह, जो आपने सूर्यवंशी में कैमियो देखा था ना एक छोटा सा अजय देवगन और रणवीर सिंह का, वही अब आप लोगों को सिंघम अगेन के अंदर दिखने वाला है कैमियो हमारे अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का। बट यहाँ एक चीज आप लोगों को और बता दूं, यहाँ दीपिका पादुकोण भी जुड़ने वाली है। और भैया ये सब तो ठीक है, बट अजय देवगन जो मेन लीड रोल के अंदर है ना, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। वही फूल और कांटे वाला जो उनका फेवरेट स्टंट रहा है ना, जो बॉलीवुड में जिस स्टंट से उन्होंने एंट्री करी है, वो स्टंट इस मूवी में भी दिखाने वाली है। बस बात यहां होगी कि यहां गाड़ियां हो जाएंगी। वैसे गाड़ियों वाला ये स्टंट गोलमाल में दिखाया जा चुका है, बट ये जो सीन होगा ना ये हमर पे दोहराया जाएगा, यानी सिंघम अगेन के अंदर हमर कार के ऊपर ये सीन को दोहराया जाएगा और दिखाया जाएगा अजय देवगन की एक्टिंग को बड़ा जबरदस्त तरीके से। वैसे सिर्फ अजय देवगन की सिंघम ही नहीं आ रही, बॉस सन ऑफ सरदार 2 भी आने वाली है, और जो सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है इसके अंदर हमारे सन्नी पाजी भी होने वाले, यानी सन्नी देओल भी होने वाले हैं, क्योंकि सन ऑफ सरदार के अंदर तो थे हमारे संजय दत्त साहब, अब दत्त साहब को रिप्लेस कर दिया गया हमारे सन्नी देओल से, और सन्नी देओल का जो एंग्री यंग मैन वाला चेहरा है ना वो इस पिक्चर में देखने को मिलने वाला है। वैसे लीड हीरो के अंदर तो हमारे अजय देवगन ही रहेंगे, बट यहाँ पे बात करें अगर सन्नी पाजी की तो भैया वो भी कोई हीरो से कम थोड़ी है। और देखने वाली बात ये होगी, जैसे सन ऑफ सरदार के अंदर हमें पुरानी पिक्चर के अंदर देखने को मिली थी हमारी सोनाक्षी सिन्हा, अब वही सोनाक्षी सिन्हा भी शायद हमें देखने को मिल सकती है हमारे सन ऑफ सरदार 2 के अंदर। बट बात सिर्फ यहीं तक सिमट के नहीं रह जाती है, अजय देवगन की बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो अब अपकमिंग लगी हुई है, जिनकी छड़ी है जो आने वाली है जल्दी। दृश्यम 3 पर भी काम चालू हो चुका है, मैं आप लोगों को बता दूं, और दृश्यम 3 के अंदर नजर आने वाली है एक नई स्टोरी। और कहने में तो ये भी आ रहा है कि मोहनलाल साहब भी इस पिक्चर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि भैया ये है तो मोहनलाल साहब की ही दृश्यम, और दृश्यम के अंदर जो सीधा साधा भोला भाला रूप दिखाया है ना हमारे अजय देवगन का, अब वही दोबारा दिखने वाला है हमें दृश्यम 3 के अंदर भी। तो सिर्फ यहां बात नहीं होती है सिंघम की या दीवानगी की या सन ऑफ सरदार की या दृश्यम 3 की, इसके अलावा भी और सारी चाणक्य जैसी मूवी कैसे भूल सकते हैं भैया। चाणक्य बहुत बड़ा ब्रांड है, नितेश तिवारी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं, और चाणक्य के अंदर जो चाणक्य की नीतियां दिखाई जाएगी ना उसके बारे में तो कहना ही क्या है। और उन नीतियों के लिए सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन को चूज करा गया है, क्योंकि वो भोला वाला फेस जो देखने को मिलता है, वो चाहे दीवानगी पिक्चर के अंदर ले लो या फिर वो ले लो हमारे दृश्यम पिक्चर के अंदर, जो एकदम शरीफ और शराफत वाला फेस देखने को मिलता है, वही फेस देखने को मिलेगा हमारे चाणक्य के अंदर, क्योंकि भैया चाणक्य के अंदर शांत स्वभाव चाहिए, और ये जितने एंग्री यंग मैन है ना उतने ही शांत स्वभाव भी है, क्योंकि इनके अलग अलग पिक्चर्स के अंदर अलग अलग रोल देखने को हमेशा मिलते हैं। और उन रोल के बारे में कहना तो एकदम जबरदस्त है कि भाई जहां जहां अजय देवगन होते हैं ना वहां वहां उनकी पिक्चरों को सुपर डुपर हिट होने का पूरा मौका मिल ही जाता है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो ये दीवानगी का सीक्वल बनने वाला है, क्या दीवानगी के सीक्वल को भी 2002 जितना दीवानगी पिक्चर वाला प्यार मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। वैसे ये कमेंट बॉक्स सेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इसके अंदर अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाके आप लोगों को ये बताना है कि भैया ये दीवानगी का जो सीक्वल दीवानगी 2 बनाने जा रहे हैं ये कितनी सुपर डुपर हिट होगी, क्या इसे भी गदर 2 जितना प्यार मिल पाएगा या फिर ये पिक्चर फ्लॉप होके रह जाएगी। पर ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बताना होगा ना, क्योंकि घायल पिक्चर जब रिलीज हुई थी सन्नी देओल की तो वो भी सुपर डुपर हिट रही थी, बट जब घायल अगेन वंस अगेन घायल रिलीज हुई थी वो सुपर फ्लॉप हो गई थी। वहीं अगर गदर एक प्रेम कथा आई थी तो सुपर डुपर हिट रही थी, बट जब गदर 2 आई तो इसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले और ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। तो क्या दीवानगी पिक्चर जो सुपर डुपर हिट 2002 के अंदर रही है वो 2024 या 25 के अंदर सुपर डुपर हिट अगेन दोबारा होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ चैनल पे बने रहिए, छोटा मुंह बड़ी बात को याद कर लीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।